कागजों पर ही चल रहे क्रैकेंद्रों पर लटक रहा ताला। शासन द्वारा भले ही 1 अप्रैल से किसानों के द्वारा तैयार की गई गेहूं की फसल को खरीदने के लिए क्रय केंद्रों का संचालन शुरू किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल से संचालित होने वाले सभी क्रय केंद्र महज कागजों पर ही चलने शुरू हुए हैं। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो सरकार द्वारा खोले गए सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर क्रय केंद्र प्रभारी बोर्ड और ताला लगा कर गायब हो गए। वहीं क्रय केंद्र पर लगे बोर्ड में लिखे क्रय केंद्र प्रभारी के नंबर कवरेज एरिया से बाहर या फिर स्विच ऑफ बता रहे हैं, जबकि किसान अपने तैयार गेहूं को बेचने के लिए इन क्रय केंद्रों के चक्कर लगा रही है। वहीं क्रय केंद्र प्रभारी पहले से सेटिंग किए हुए बिचौलियों व दलालों के माध्यम से कागजों पर खरीद शुरू कर चुके हैं, जबकि नारीबाड़ी क्षेत्र के किसानों के द्वारा बताया गया कि वह क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं पर क्रय केंद्रों पर ताला बंद होने के कारण वे अपने गेहूं को नहीं बेच पा रहे हैं। लेकिन एसी कमरों में बैठे क्रय केंद्र प्रभारी अपने घरों में ही बिचौलियों के माध्यम से तौल करने में मसरूफ हैं। इसी तरह नारीबाड़ी क्षेत्र में संचालित आधा दर्जन क्रय केंद्रों पर केवल ताले ही लटक रहे हैं, ना ही यहाँ क्रय केंद्र प्रभारी देखे जा रहे हैं, ना ही उनके मातहत कोई कर्मचारी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट।